नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम घूमने चलेंगे। जहां आज हम घूमने जाएंगे वो स्थान रांची से करीब 64 किलोमीटर की दूरी पर है और गुमला से 28 किलोमीटर पहले है। इस जगह का नाम है सिसई। यहां पे एक झारखंड का फेमस मेला लगता है जिसे नागफनी मेला कहते हैं। यदि आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो फिर मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको यहाँ पे जो भी घूमने लायक जगह है वो दिखाऊंगी और साथ ही साथ मैं यहाँ के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपको वीडियो में साथ ही साथ बताते चलूँगी। तो बस हम पहुँच ही गए हैं। एक काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद ये इसका बाहरी लुक है। यहाँ पे शादियाँ होती हैं, जिनको भी शादी करानी हुई तो वे यहीं पे कराते हैं। ये भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, जैसा कि आपको देखने से ही लग रहा होगा। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1761 में हुआ है। रातू के महाराजा रघुनाथ सहाय जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में आपको जो मूर्तियाँ दिखेंगी वो मूर्तियाँ पूरी सिलाई गई हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाह रही थी पर अभी मंदिर का द्वार बंद करने का समय हो गया है। अभी मैं जहाँ पे हूँ ये धर्मशाला है। जो लोग यहाँ पे शादियाँ कराने आते हैं उनके लिए रूम भी अवेलेबल हैं और अगर यहाँ खाने पीने की व्यवस्था कराना चाहते हैं तो आपको सारे बर्तन भी मिल जाएंगे। परेशानी बिल्कुल नहीं होगी यहाँ पर। वैसे तो मैंने अभी तक कितनी शादियाँ अटेंड की हैं पर यहाँ का अनुभव मेरे लिए बहुत ही अलग रहा। इस जगह में शादी विवाह के सारे कार्य संपन्न होते हैं और यहाँ पे दो टाइम मेला भी लगता है। एक मेला लगता है रथ यात्रा के समय, उस समय यहाँ काफी भीड़ होती है, और एक मेला लगता है यहाँ पे 14 जनवरी को, उस समय भी यहाँ पे रथ यात्रा निकलती है। ये रथ रहता है भगवान मकर ध्वज का। यहाँ प्रत्येक दिन पूजा भी होती है और भोग भी लगता है, जैसे कि पुरी के मंदिर में भोग चढ़ाया जाता है बिल्कुल उसी तरह से। शादी विवाह के सीजन में यहाँ लगभग 50-60 शादियाँ तो हो ही जाती है। मंदिर घूमना तो हो गया, अब वापस चलते हैं शादी में। झारखंड में जब भी शादियाँ होती है तो इस तरह के जो आपको दिख रहे हैं बाजे गाजे, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके बिना तो यहाँ शादियाँ अधूरी होती हैं। के मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। शहर के तामझाम से दूर बिल्कुल शांत जगह पे इतनी अच्छी तरह से शादी यहाँ पे संपन्न हो रही है कि कहना ही नहीं। यहाँ किसी तरह का कोई भी दिखावा नहीं हो रहा है, बस शादी की रस्म हो रही है। अगर इसी तरह से शादियाँ हो तो बेटियाँ किसी के लिए बोझ नहीं रहेंगी। और दिखावे के नाम पे हम जो फिजूल खर्ची करते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा, अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे 6 से 7 जोड़ियों की शादी हो रही है, वो भी एक पेड़ के नीचे। मेरे पीछे देखिए, आपको दिख रही होगी। चलिए मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। यहाँ पे शादी की रस्म हो रही है, इसे हल्दी उतारना कहते हैं। इसके बाद शादी स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे दो जोड़ियाँ तो यहीं पे हैं, दो जोड़ों की शादी हो रही है, उसके बाद एक इधर है।
दो जोड़े यहाँ पे एक फेरा ले रहे हैं, एक बैठे हुए हैं। टोटल पांच तो आपको यहाँ दिखे। और एक जोड़ी इधर है, मतलब कि जिधर जिधर देखिए आपको उधर ही दुल्हा दुल्हन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर अन्य जो लोग शादी कराने आए हैं उन्होंने यहीं पे खाने की व्यवस्था रखी है। बिल्कुल जैसा लग रहा है कि यहाँ शादी नहीं, पिकनिक में हम आए हैं। मंदिर तो यहाँ हमने घूम लिया, शादी भी देखी। अब चलिए यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखेगी, क्योंकि अभी मानसून लगभग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ लगभग ऐसा ही मौसम रहता है। यहाँ से एक नदी भी गुजरती है, इस नदी का नाम कोयल नदी है, और इस नदी पे एक जलप्रपात भी बना हुआ है जिसे फॉल कहते हैं। इस फॉल का नाम है अम्बा फॉल। ये जो सामने आपको नदी दिख रही है, यहाँ पे लगभग दिसंबर के महीने से ही लोग पिकनिक मनाने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ जमा होती है, और 14 जनवरी को तो यहाँ विशेष मेला लगता है। उस दिन भगवान मकर ध्वज की रथ यात्रा भी निकलती है, और साथ ही साथ दही चूड़ा जो हम लोग मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं वो भी मनाया जाता है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और नदी में स्नान करके और दही चूड़ा खाते हैं। हमारे यहाँ जो भी प्राचीन चीज़ें होती हैं या फिर जगहों के नाम होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ मान्यता जुड़ी रहती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। कहा जाता है कि यहाँ पे नाग देवता जो है वो पानी पीने के लिए आए थे, जब प्यासे थे तो उन्होंने पानी पीने के लिए यहाँ पे उतरा, और जैसे ही वो पानी पी के वापस जा रहे थे तो दैत्यों के द्वारा उनका वध कर दिया गया, और मृत्यु के पश्चात वो पत्थर के हो गए, इसलिए इस जगह का नाम नागफेनी रखा गया। नागफेनी मीन्स की नाग का फन। यहाँ पे मुझे तरह तरह के पेड़ देखने के लिए मिले, तो मैंने उसे भी शूट कर लिया है। वीडियो शूट करने के चक्कर में मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ और मैं बहुत थक भी गई हूँ। देखिए यहाँ मुझे एक और पेड़ मिला। ये पेड़ थोड़ा मुझे अजीब लगा देखने में। यहाँ पे एक ही साथ एक ही जगह पे तीन तरह के पेड़ निकले हुए हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। नदी का जो ये आपको पूरा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है 14 जनवरी को। आपको कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा उस दिन खाली, इतनी भीड़ होती है। यहाँ आते हैं सभी, नहाते हैं और यहीं पे दही चूड़ा खा के जाते हैं। देखिए चारों तरफ कितना सुंदर लग रहा है, कितना खूबसूरत नजारा है।
ये जो आपको मंदिर दिख रहा है बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत खूबसूरत है। हम वहाँ पे जाना चाहते थे लेकिन अचानक बारिश हो गई जोर की, तो हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं अभी। हमें पहले कहीं छुपने के लिए जगह ढूंढना पड़ेगा। देखिए कितना तेज़ बारिश हो रहा है। इस बारिश में हम करीब 1 से 1.5 घंटे तक फंसे ही रह गए। पर जो भी हो, इस तरह से बारिश का आनंद ही अलग है। ये बारिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बहुत जोरों से बारिश हो रही है। आपको बारिश की बूंदें साफ नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही है। आप दूर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। और ऐसे ही भीगते भीगते हम जहाँ पे शादी हो रहा था वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि हम बहुत देर से निकले हुए हैं और यहाँ लगभग लगभग शादी आधी खत्म हो चुकी है और अभी भी जोरदार बारिश हो रही है। आपको चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो बनता ही है। आज के इस वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें।